दोस्तों शाहरुख खान की फिल्म पठान 2। जी हाँ दोस्तों, पठान 2 फिल्म को लेकर काफ़ी बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। आज हम बात करने वाले हैं कि पठान के सिक्वल यानी कि पठान 2 के बारे में। तो बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने 4 साल के लंबे इंतजार के बाद पठान से बॉक्स पर धमाकेदार वापसी की थी। जी हाँ बिल्कुल, आप लोग सही सुन रहे हैं। और पठान फिल्म जब 25 जनवरी को पिछले साल रिलीज हुई थी तो उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और यहाँ तक कि दोस्तों हिंदी लैंग्वेज में बाहुबली को भी धूल चटा दिया था। सही मायने में पठान शाहरुख खान के कैरियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित रही थी, जिसे डायरेक्ट किया था सिद्धार्थ आनंद सर ने। और फिल्म में शाहरुख खान के अलावा हमें दीपिका पादुकोण, जॉन इब्राहिम देखने को मिले थे। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, बॉलीवुड के सुल्तान खान सलमान भाई का भी एक दमदार कैमियो था और ऑडियंस को दोस्तों ये फिल्म भरपूर पसंद आई थी। दोस्तों जितने भी शाहरुख खान के फैन है उनके लिए सबसे बड़ी खबर ये है कि पठान 2 जल्द ही शुरू होने वाली है। जी हाँ बिल्कुल, आप लोग सही सुन रहे हैं। पठान फिल्म जो प्रोड्यूसर है आदित्य चोपड़ा, उनकी तरफ से न्यूज कंफर्म हो चुकी है कि शाहरुख खान की जो अगली फिल्म है वो होने वाली है पठान 2। आपको बताना चाहेंगे कि दोस्तों यहाँ पर एक खबर सामने आ रही है कि पठान 2 की जो शूटिंग है वो शुरू होने वाली है इसी साल दिसंबर के महीने में। जी हाँ, साल के अंत में पठान 2 की जो शूटिंग है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुकी है। जब पठान लास्ट ईयर रिलीज हुई थी उसके बाद से इसकी कहानी लिखना शुरू हो चुकी थी और फाइनली कहानी कम्प्लीट हो गई है। और इस वक्त फिल्म का प्री प्रोडक्शन वर्क चल रहा है, यानी कि फिल्म की शूटिंग कहाँ होगी, फिल्म की कास्टिंग क्या क्या होगी, इसके ऊपर फिल्म के मेकर्स अभी सब फैसले ले रहे हैं। तो इस वक्त इतनी खबर कंफर्म है कि पठान 2 में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण नजर आएंगे। अब पठान 2 के विलेन कौन होंगे ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आपने अगर पठान देखी है तो आपको पता है कि पठान के अंदर जितना दमदार काम शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का था उतनी ही दमदार रोल जॉन इब्राहिम का भी था। तो अब पठान 2 के लिए जॉन इब्राहिम जैसा एक पावरफुल विलन चाहिए। तो देखते हैं कि पठान 2 में विलन कौन होगा। इससे बड़ा सवाल ये है कि पठान 2 को डायरेक्ट कौन करेगा, क्योंकि पठान को तो डायरेक्ट किया था सिद्धार्थ आनंद सर ने। तो देखते हैं पठान 2 के डायरेक्टर फिर से सिद्धार्थ आनंद सर होंगे या फिर पठान 2 को कोई नया डायरेक्टर डायरेक्ट करेगा। वैसे आपको बता दें कि फिल्म की शूटिंग जैसे तो इस साल से शुरू होगी, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पठान 2 आपको अगले साल यानी 2025 में ही देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आपको बिल्कुल गलत लग रहा है। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितनी खबर है मुझे इसके हिसाब से पठान 2 की जो रिलीज डेट है वो हो सकती है 2026 में। यानी कि दोस्तों शाहरुख खान के फैंस को पठान को फिर से बड़े पर्दे पर देखने के लिए 1 साल नहीं 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा। वैसे दोस्तों क्या आप लोग पठान 2 फिल्म को लेकर एक्साइटेड है या फिर नहीं, और आपको क्या लगता है पठान 2 फिल्म पठान फिल्म की तरह बॉक्स पर ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होगी या फिर नहीं, हमें कॉमेंट्स में अपनी अपनी राय जरूर से बताइएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी करोड़ों के साथ इसी फिल्म के अपडेट को लेकर और साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर खबर को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। जहाँ दोस्तों अगर शाहरुख खान के फैंस हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा।